आजकल कोई स्क्रीन तो प्रेजेंट नहीं कर देते हैं, लेकिन ये भी करना पड़ता है, शेयर देयर स्क्रीन में अगर डिसेबल कर दो। अब नया गूगल मीट में आया है तो दूसरा कोई शेयर नहीं कर सकता, तो इससे भी डिस्टरबेंस कम होता है। चलो तो रिकॉर्डिंग चालू हो गया, अब हम बात करते हैं भक्ति की। इसमें दो मुख्य सब टॉपिक्स हैं, भक्ति के प्रकार और मानव जीवन में भक्ति का महत्व। ये कोई बता सकते हैं किनका चित्र है? सर चैतन्य महाप्रभु। बहुत बढ़िया। भक्ति में श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण है। भक्ति क्या है? चलो कोई बताओ। विभूति, सर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को कह सकते हैं। बढ़िया। साक्षी, यस भक्ति क्या है तुम्हारे शब्दों में? सर, भक्ति मेरे शब्दों में जिसको भी हम एक आइडल मानते हैं उसके प्रति समर्पण भावना। बढ़िया। एकता, आवाज नहीं आ रही है एकता? हेलो। हाँ अब आ रही है, बोलो। भक्ति से तुम क्या समझती हो? भक्ति का मतलब जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। शायद वो भक्ति में जो भी काम करते हैं उसे डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। बस बस ठीक है, बढ़िया। सुमित, सर भक्ति क्या है? सर भक्ति मतलब सर भक्ति सर सेवा करना या फिर भजना भक्ति हो गई सर, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति। सही है। एक जगह पर ये आसक्ति शब्द भी यूज किया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। शारदा, यस भक्ति क्या है? समर्पण सर, समर्पण की भावना सर। की भावना। राधा, ईश्वर के प्रति प्रतिष्ठा पूर्वक सम्मान करना भक्ति। सही है। और कोई इस समर्पण के अलावा और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? भक्ति क्या है? सर निष्ठा और प्रेम और लगन, जहाँ पे इन सबका संगम होता है और हम पूरा डिवोटेड हो गए, तो हम किसी कार्य के प्रति हो या प्रभु के प्रति भक्ति हो तो उसको भक्ति मानेंगे। बहुत बढ़िया। चलो तो अब भगवद गीता में क्या कहते हैं वो देखते हैं। वैसे ये पहले तो हम भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई वो देखते हैं। भज धातु से हुई, जिसका अर्थ है सेवा करना या भजना। तो ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर को भजना, वो साधारण रूप से भक्ति कही जाती है। फिर भक्ति किसी व्यक्ति के प्रति हो तो उस व्यक्ति की सेवा करना, उसको बजना। गीता की एक टीका में लिखा है, ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम ही भक्ति है। अत्यधिक प्रेम यहाँ शब्द यूज किया है कि साधारण प्रेम नहीं, अत्यधिक प्रेम। व्यक्ति है ना, उसको वो इतना समर्पित हो जाता है कि और उतना उसको ज्यादा प्रेम होता है कि वो दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता है, दिन रात उनको बजता रहता है। तो वो असली भक्ति है।
अत्यधिक प्रेम को भक्ति कहा गया है। मन वही लगता है जहां प्रेम होता है। भक्त का मन भगवान में ही लगा रहता है क्योंकि मन वही लगता है जहां प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः ही हो जाता है। जिसके भी प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति भी प्रेम होता है तो अपने आप उसका चिंतन आने लगता है। भगवान के प्रति अगर प्रेम होता है तो भगवान का चिंतन अपने आप आने लगता है। तो ये भक्ति है कि चिंतन उन्हीं का आने लग जाता है हमें। भगवान कैसे होंगे, भगवान कहाँ होंगे, भगवान अगर मिल जाए तो कितना अच्छा। इस तरह का भी चिंतन वो जो करता रहता है, समझ लो कि उसके अंदर भक्ति जागृत हो गई है और धीरे 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 वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, जीवन सफल है अपना, पर बहुत सारी बाधाओं के कारण होता नहीं है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये सब krishnakosh.org में से लिया गया है। आप भी कहीं से भी कॉपी पेस्ट करो ना कोई चीज, या भले ही उसमें आप थोड़ा चेंज भी करो, पर इस तरह से लिख देना चाहिए। ये krishnakosh.org में तो ऐसी फैसिलिटी है कि आप जैसे ही कुछ कॉपी करते हो एक मैसेज भी आता है, और जब पेस्ट करोगे तो वहां ये साभार krishnakosh.org अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और उसको डिलीट नहीं, डिलीट कर सकते हो करना चाहो तो, पर करना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर उसको रखा है। हैंग हो गया क्या? हाँ, भक्ति के प्रकार। चलो कोई बताओ, किसी को कोई भक्ति के प्रकार के बारे में पता है? सर नो है। दामिनी क्या कह रही है? सर भक्ति 9 प्रकार की होती है। हाँ, कौन कौन सी? सर नवधा भक्ति। वो तो 9 प्रकार। अच्छा, 9 प्रकार कहा कि 2 प्रकार कहा? सर 9 प्रकार की। हाँ, नवधा भक्ति सही बात है। रामचरितमानस में उसका जिक्र है, लेकिन यहाँ हमने लिया है प्रेजेंटेशन में। नवधा भक्ति सही बात है। नवधा भक्ति के अलावा कोई प्रकार हो सकता है दूसरे किसी एंगल से? किसी को दिमाग में आ रहा है सर भक्ति के प्रकार? भक्त के प्रकार बोल दो, कोई बात नहीं। आर्त जिज्ञासु अथर्वी ज्ञानी। हाँ सही बात है, वो 4 है प्रकार जो भगवत गीता के अनुसार, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वो भक्त के प्रकार है। भक्ति के प्रकार में मुख्य रूप से 2 यहाँ गीता में बताया गया है। ईश्वर के आकार। इसका माइक ऑन रह गया। दामिनी, दामिनी माइक म्यूट करो। ईश्वर के साकार स्वरूप की भक्ति। साकार स्वरूप की भक्ति कौन समझाएगा भाई? साकार स्वरूप की भक्ति नहीं जानते हो? नो सर। कोई तो जानता होगा सर, जब मूर्ति को या फिर हाँ एकदम सही है। साकार, सो आकार, आकार के साथ है ना। ये इस्लाम धर्म और कुछ धर्मों में ये कहा जाता है कि निराकार ईश्वर, मतलब कि खुदा का, गॉड का कोई आकार ही नहीं है, निराकार। तो हमारे यहाँ भी है पर ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसको निराकार माना गया है। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा भक्ति की प्रैक्टिस ज्यादा होती है, वो है ईश्वर का साकार स्वरूप। तो आकार एक मनुष्य जैसी आकृति मान ली जाती है, और अवतारवाद में हम मानते हैं हिंदू धर्म में, तो उसमें राम कृष्ण जो मनुष्य शरीर लेकर आए थे उनकी हम भक्ति करते हैं, तो वो साकार स्वरूप की भक्ति है।
दूसरा ईश्वर के निराकार स्वरूप की भक्ति। वेदों में कई जगह पर परम पर ब्रह्म की बात आती है, गीता में भी आती है बात। तो चाहे उसकी भक्ति करो चाहे इसकी भक्ति करो, साकार या निराकार, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग चीजें नहीं है ना। जो कुछ धर्म वाले ऐसे कहते हैं कि आप जो साकार स्वरूप की भक्ति करते हो वो गलत है, आर्य समाज वाले भी कहते हैं मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन गुरुदेव ने बहुत अच्छा समझाया है कि शुरुआत में आपको सहारे की जरूरत पड़ेगी, शुरुआत में आपको आकार की जरूरत है, क्योंकि आप अगर निराकार की बात करोगे तो कल्पना ही क्या करोगे, ध्यान कहाँ लगाओगे, है ना। जैसे योग के स्टूडेंट्स जानते होंगे, कहीं ना कहीं कोई एक बिंदु पर ध्यान लगाना है, तो यहाँ मूर्ति पर ध्यान लगाते हैं। तो इसलिए साकार स्वरूप की भक्ति कोई गलत नहीं है, और किसी भी विज्ञान ने ऐसा सिद्ध नहीं किया है कि अवतार होते ही नहीं है, ये सब गलत है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना मुश्किल है। शुभ्रा आज भी क्यों लेट हो गया, कल भी लेट हो गया था? चार प्रकार के भक्त, पहला है अर्थार्थी। अर्थार्थी अर्थ चाहने वाला, अर्थ चाहने वाला मतलब सिर्फ अर्थ चाहने वाला नहीं, अर्थ की चाह से भगवान की भक्ति करने वाला। वो भक्त तो है ही, है ना, सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा है, भगवान को बिल्कुल नहीं बचता है, वो अर्थार्थी नहीं है। ये तो अर्थार्थी भक्त, मतलब कि अर्थ की कामना के लिए वो दूसरे किसी का सहारा ना लेते हुए वो ईश्वर की भक्ति का सहारा लेता है। फिर जैसे भी किसको, सर वो शुभ्रा बोल रही है ऐड करने के लिए, शुभ्रा। तो एक तो मैंने किया था, हो गई आ गया ना शुभ्रा, लेकिन लेट क्यों हो गया, आज भी कल भी लेट हो गया था। सर ध्यान नहीं रहा, तुम्हारा माइक भी कल भी गड़बड़ था। मैं बोली ध्यान नहीं रहा। अरे ऐसा कैसे, 3:20 को रोज होगी क्लास यार। हाँ आज लिंक चलो नहीं आया बैठो। ना, नहीं लिंक देखो, मैंने व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है ना, तो फिर मैं कई बार भूल जाता हूँ। आप लिंक कहीं कॉपी करके रखना, रोज की वो एक ही सेम ही लिंक है वो, है ना, ये तो वहीं से आप क्लिक कर हाँ सकते हो। सर भैया इसलिए मैं याद लिंक कर दो। कभी कभी दे देता हूँ व्हाट्सएप में, वैसे रोज रोज देने की जरूरत नहीं है, एक ही लिंक है वो, है ना। हाँ जी ओके तो अर्थार्थी, जैसे इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, सबने नाम सुना होगा ध्रुव का। तो ध्रुव को भी अर्थार्थी में इसलिए लिया गया था कि पहले क्या था, ध्रुव की कोई स्टोरी जानता है क्या, वो क्यों भक्ति करने लग गया था? गीता की क्लास में डॉक्टर साहब ने तो बताया ही है, पर किसी ने सुना हो, किसी को याद हो, ध्रुव की क्या स्टोरी थी वो, क्या था इसकी, बताओ। सर उनकी जो सेकंड स्टेप मदर रहती है, वो सेकंड मदर रहती है, वो उनको उनके पापा से दूर कर देती है। वो उनके गोदी में बैठने जाते हैं तो वो उनको नीचे उतार देती है। तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर उनको नारद भगवान बताते हैं कि तुम्हें अगर पिता का प्यार चाहिए तो वो तुम्हें विष्णु भगवान देंगे। और उसके बाद नारद भगवान उन्हें मना करते हैं, लेकिन कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत कठोर तपस्या है। पर उसके बाद क्या बोलते हैं, ध्रुव उसमें बैठ जाते हैं तपस्या करने, और फिर काफी परीक्षा भी लेते हैं भगवान। लेकिन उसके बाद एट द लास्ट वो उनसे खुश हो जाते हैं, और फिर उन्हें मतलब उनके सवालों के जवाब चाहिए होते हैं उनको, सॉरी सर, कि मेरी माँ ने मुझे मेरे पापा के गोद से क्यों उतारा। फिर एट लास्ट उनको विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं, और उनको उनके सवालों के जवाब मिलते हैं, और फिर उसके बाद वो सेटिस्फाई होते हैं। ये जो कृष्ण कोष है उसमें ये भी लिखा है कि उसकी जो स्टेप मदर थी उसने कहा कि तुम इसलिए गोद में नहीं बैठ सकते कि तुमने भगवान की भक्ति नहीं करी है। और वो जब अपनी माता के पास गया, रियल मदर के पास, तो उसने भी कहा हाँ सही बात है, ना तो मैंने भक्ति की है भगवान की, ना तुमने भक्ति की है, इसलिए वो भक्ति करने निकल गया। तो
मुझे गोदी में बैठना है, राजा की गोदी में, मतलब उनके पिताजी की गोदी में। तो उसका मुख्य लक्ष्य वो था। फिर बाद में भले ही उसको रियलाइज हो गया और फिर वो भक्त बन गया, पर पहले तो वो निकला था अर्थार्थी की तरह कि भाई गोदी में बैठना है। अर्थ जो है शब्द संस्कृत में, वो केवल पैसे के लिए नहीं यूज होता है ना। जो भी है हमारा, जो पशुधन है, दूसरा कुछ है, सब कुछ वो धन के अंतर्गत आता है, अर्थ के अंतर्गत आता है। जो भी आपको कुछ भौतिक चीज चाहिए तो उसे अर्थ कहते हैं। तो अर्थ के कारण जो भगवान की भक्ति करता है वो है अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, ओके। फिर यस सर। है, हाँ, फिर है अर्थ। अर्थ, अर्थ का किसी को अर्थ पता है? अर्थ मतलब पैसा सर। नहीं, अर्थ में आ गया पैसा, तो अर्थार्थी। पैसे के लिए भी अगर वो भक्ति करता है तो वो अर्थार्थी। हाँ, जो सिर्फ विपत्ति में याद करे श्री ईश्वर को। अर्थ स्वर में जब कभी कुछ भी कहोगे, है ना, वो जो गीत है प्रज्ञा गीत अपना। अर्थ मतलब जिसको समस्या है कुछ, है ना, वो भगवान को बचाने के लिए कह रहे हैं। द्रौपदी भी पहले अर्थ नहीं थी, पहले तो उसने प्रयास किए, उसका वस्त्र हरण हो रहा था, तब दूसरे लोगों को बुलाया, और जब उसे लगा कि अब तो भगवान कृष्ण ही एक सहारा है, तब वो अर्थ स्वर में भगवान को बुलाया उसने। तो जब हम अपनी समस्या के कारण दुखी हो गए हैं और भगवान को जब प्रार्थना करते हैं, तो हम आर्त आर्त है, मतलब कि आर्त भक्त है। क्लियर है आर्त सबको? यस यस सर, ओके। तीसरा यस सर। है जिज्ञासु। जिज्ञासु साधारण अर्थ में हम कहते हैं भाई जिसको भी कुछ जिज्ञासा हो। उसी तरह से क्या है कि व्यक्ति को जिज्ञासा होती है कि क्या वास्तव में होते हैं भगवान, या उनको लगता है कि क्या भक्ति करने से भगवान मिलेंगे, तो वो क्लियर नहीं है उनको, जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा है। चौथा जो है वो ज्ञानी है। दोनों में उतना ही अंतर है कि एक को जिज्ञासा है जबकि एक को पता है ना, उसने जान लिया है उसने। सिर्फ हमें सिर्फ रटा हुआ नॉलेज हो, ऐसा नहीं कि हाँ भाई भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। ज्ञानी ने हो सकता है साक्षात्कार भी कर लिया है, इसलिए उसको ज्ञानी कहा गया है ना, अच्छे से समझ लिया है उसने। पर जिज्ञासु अभी भी कंफ्यूज्ड है, उसको जिज्ञासा है कि क्या होते हैं भगवान, क्या दर्शन मिल सकते हैं भगवान के, तो वो भक्ति करता है अपनी जिज्ञासा बस, तो वो जिज्ञासु है। और ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है, उसने तत्व से भगवान को जान लिया, ईश्वर वास्तव में क्या है, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, जो अलग अलग उसके साधन है, परमार्थ के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है, अपने ही हृदय में ध्यान करने से, आत्मा में अपनी ही आत्मा का चिंतन करने से, अंदर ही है भगवान, उसको अगर हमने जान लिया तो वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी भगवान को बचता है तो पूरे सोच समझ के, उसको पता है इसलिए वो बचता है ना। चारों प्रकार के भक्त की व्याख्या क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ सर, नो क्वेश्चन, ओके। फिर जो नवदा भक्ति की बात करी, वो भी भक्ति के प्रकार है, हालांकि अलग से सारे नौ भक्तों भक्ति की गीता में बात नहीं करी गई है, पर आप लिख सकते हो क्योंकि वो भक्ति के प्रकार ही है। श्रवण, श्रवण का एग्जाम्पल दो कोई, आज के परिप्रेक्ष्य में, मॉडर्न टाइम में आप क्या श्रवण कर सकते हो? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। नवधा भक्ति की हम बात कर रहे हैं, उसमें श्रवण का आज के जमाने के हिसाब से एग्जाम्पल दो कि इसको हम श्रवण कहेंगे, ये भक्ति है वो, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरह से श्रवण कर सकते हैं, तो श्रवण का एक एग्जाम्पल दो।
सर जैसे अभी श्रद्धा जी की गीता की क्लास चल रही है उसको सुनना है ना, यहाँ केवल सुनने की बात है, श्रवण मतलब चाहे आप ईयरफोन लगा के कोई भक्ति के गाने सुन रहे हो है ना, या कि कोई कथा सुन रहे हो, तो जहाँ हम अपनी श्रवण इंद्रियों का उपयोग करके ईश्वर के गुणों का गुणों को हम सुनते हैं या ईश्वर की महिमा को हम सुनते हैं, तो वो श्रवण है। क्लियर? यस सर। फिर है कीर्तन, कीर्तन बताओ कोई। सर जैसे आजकल नवरात्र चल रहा है, हर कोई जा रहा है वहां पे पंडालों में कीर्तन कर रहा है। कि जो संगीत के साधनों के साथ, जब संगीत के साथ साथ उसमें लीन हो जाते हैं भगवान की भक्ति में, वो है कीर्तन। मनन, ईश्वर के बारे में सोचना, मनन क्या है भगवान, कैसे हैं भगवान, कैसे मिलेंगे भगवान, सोचना, मनन। जप, जो नवरात्र में विशेष रूप से होता है, जब भगवान का नाम जपते रहना या भगवान का कोई मंत्र जपते रहना, वो जप बार 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 बार, जिससे आपका भक्ति गाढ़ होती जाएगी। भजन है ना, कीर्तन और भजन में क्या अंतर है कोई बता सकता है? जनरली दोनों शब्द साथ में ही यूज होते हैं, भजन कीर्तन है ना, पर ऐसा कहते हैं कि मुख्य रूप से कीर्तन में कोई ना कोई संगीत के साधन होते हैं, भजन में जरूरी नहीं है कोई साधन भी हो, भजना केवल भजते रहो, सिर्फ गाते रहो तो भी वो भजन है, तो भी वो भक्ति का ही एक प्रकार है। और संगीत के साथ जब आप उसमें एक लय में ताल में, अब आप जब एकदम उसमें तल्लीन हो जाते हो तो वो कीर्तन है। हालांकि भजन में भी आजकल तो संगीत यूज होता ही है, दोनों शब्द एक दूसरे के ओवरलैपिंग होता है, अलग अलग अर्थ में यूज होते हैं। ईश्वर का ध्यान, जो योग में ध्यान बताया गया है, वो अगर हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो वो भी एक तरह की भक्ति ही है। भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन, स्वाध्याय जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें अगर हम भगवान के विषय में पढ़ते हैं, भक्ति के विषय में पढ़ते हैं, तो उसको हम भक्ति का एक प्रकार गिनेंगे। कुछ और पढ़ते हैं तो वो भक्ति का प्रकार नहीं है। ये भगवान के विषय में हमें, क्योंकि अंदर से इच्छा है, जिज्ञासु प्रकार के भक्त को इच्छा रहती है जानने की, है ना। ज्ञानी भी जब तक ज्ञानी नहीं हो गया है तब तक वो पढ़ता ही है, जिज्ञासु में से ही वो ज्ञानी बनता है। तो इसमें ये शास्त्रों का पठन पाठन करने से जिज्ञासा का समाधान होता है और हमारे अंदर ज्ञान आता है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ अभी है आगे। दास्य है, दास भाव से करना, और आत्मनिवेदन, अपना कोई विशेष निवेदन जो आत्म व्यक्ति करता है, इस तरह से आत्मनिवेदन करना, वो शायद यहाँ टाइप करने में रह गया है, पर ये चित्र में सब कुछ बताया गया है। नवधा भक्ति की अलग से एक किताब भी आती है और रामचरितमानस में बहुत अच्छा बताया गया है। डॉक्टर साहब की आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो एक नवधा भक्ति के ऊपर ही क्लास हुई थी। तो ये नौ प्रकार की भक्ति है। ये हैंग हो जाता है बीच बीच में। हाँ, भक्ति के चार चरण। अब कृष्ण भगवान ने भक्ति के चार चरण बताए कि किस तरह से आप भगवान की शरण में जा सकते हो। तो पहला बताया, संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे, कि भाई हमें जो भी काम करना है वो हमें ईश्वर के लिए करना है, है ना, कि भाई ये भगवान को जो पसंद आएगा ऐसा हमें काम करना है। तो कर्मों को हमने सबसे पहले तो अर्पण कर दिया। फिर स्वयं को मेरे अर्पित कर दे, दूसरा चरण है, कि अपने को भी अब अर्पित कर दो, कि भाई मैं भगवान का ही हूँ, जैसा भगवान चाहेंगे ऐसा मैं जीऊंगा, ऐसा करके स्वयं को वो अर्पित कर देते हैं। समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। समता मतलब समत्व, सुख दुख में समत्व,
ठंडी गर्मी में समत्व, तो समता का आश्रय लेकर उसमें भी सिद्धि असिद्धि में, निष्फलता सफलता में समत्व, तो उसमें क्या है, तो संसार में लिप्त नहीं होंगे। वरना जो संसार में जो लिप्त होने वाले होते हैं वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा या तो दुखी हो जाते हैं या बहुत ज्यादा अभिमान आ जाता है। तो समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद, संसार मतलब यहाँ भौतिकवाद, भौतिक संसार, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सब लोगों से कट ऑफ हो जाओ। संसार को दुख में माना गया है, तो संसार मतलब सिर्फ भौतिक जो उसका स्वरूप है उसी से विच्छेद करना। निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले। ये छठे अध्याय में ध्यान की टेक्निक में बताया गया है कि दोनों आंखों के बीच में भ्रकुटी में ध्यान लगा के ईश्वर का चिंतन करो, या ईश्वर की कोई मूर्ति को सामने रखते हुए उस पर ध्यान करो। तो ये मेरे में चित्त लगाओ, भगवान में चित्त लगाओ, कहीं और नहीं, कोई कामना नहीं, वासना नहीं, कोई दूसरा चिंतन नहीं करना है, भगवान का चिंतन करने का प्रयास करो। तो ये भक्ति के चार चरण बताए गए हैं। क्लियर? यस सर। हाँ, जिसको क्लियर हो गया वो बोल दो कोई एक, और नहीं हुआ है तो प्रश्न पूछो। और लास्ट है टॉपिक, भक्ति का क्या महत्व है। आप में से कोई बताना चाह रहे हो अपने शब्दों में, क्या लगता है आपको, अगर कभी भी आप भक्ति करते हो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए महत्व है उसका। बहुत बढ़िया। और सब लोग क्या ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं भक्ति? सर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ये सुख शांति की है। शांति सर, शांति मिलती है, बहुत बढ़िया। और सर चार तरह के जैसे भक्त होते हैं उसी तरह से अपने अपने स्टेज पे करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। जैसे भाई आपको बहुत दरिद्रता है ना, तो अपने आप ही आपको मन होगा कि हमें कोई गड़बड़ काम नहीं करना है, भ्रष्टाचार करके कुछ गड़बड़ करके हमें पैसा नहीं कमाना है। तब भगवान की याद आ जाती है कि इतनी भी, वो कहते हैं ना, इतना दीजिए कि कोई भी अगर आता है तो उसको हम खिला सके, हम भी खा सके, है ना। तो उतना भोजन का प्रबंध हो, जो लिमिटेड, जो कि जिसे बोलते हैं मिनिमलिज्म, उतना मिल जाए, तो उसके लिए भी भक्ति की जा सकती है। तो दरिद्रता में भक्ति का महत्व है कि उसमें कोई गलत काम करने के बजाय भगवान को एक प्रार्थना करो कि हमारी ये दरिद्रता मिटे। बहुत बढ़िया। इसी तरह अर्थ है, कोई बहुत बड़ा रोग हो गया है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वैद्य लोग भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तब अर्थ होकर अर्थ भाव से व्यक्ति उसको भगवान को पूछता है। तो वो चारों प्रकार का हो गया, उसमें जिज्ञासा है, जिज्ञासा का समाधान हो जाता है और ज्ञान मिलता है। वो चारों चीजें भक्ति का महत्व है ही, उन चारों चीजों को तो लिख ही सकते हो भक्ति के महत्व में। फिर एक लिखा है इसमें राम सुखदास जी ने कि भक्ति मनुष्य को असुर होने से बचाती है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, भक्ति तो असुरों में भी दिखाई गई थी जब असुर थे इस धरती पर, राक्षस। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें मॉडर्न लाइफ में, तो भक्ति हमें असुर होने से कैसे बचाएगी? सर यहाँ पे असुर मतलब उनका जो उनकी जो प्रवृत्ति होती है उससे बचाने की बात हो रही है। बहुत बढ़िया। ये सर जो उनकी उनकी जो दरिद्रता होती है या वो जो भी काम गलत करते हैं उस चीज से, मानव प्रवृत्ति की ओर बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया। ये कहा जाता है कि ये जितने भी ये रेपिस्ट है, जितने भी आतंकवादी है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? सर वो राधा का नेटवर्क इशू है, आ रही है सर हम लोग को। ओके, कोई बात नहीं, फिर ये रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो एक बार सुन लेना। हाँ, तो ये जितने भी रेपिस्ट है और जितने भी ये आतंकवादी है, वो उनके अंदर बिल्कुल भक्ति नहीं है, क्योंकि जो भक्ति होती है ना,
वो वास्तव में ऐसा काम कर ही नहीं सकता है ना, वो ईश्वर के प्रति वो समर्पित रहता है, वो काम वासना से इतना अधिक ग्रसित नहीं हो जाता कि वो किसी के भी साथ ऐसा कुछ काम करे, है ना। थोड़ी थोड़ी काम वासना सबके अंदर होती है, पर यहाँ लिखा है असुर होने से, राक्षस होने से, राक्षस की ये वृत्ति है इस तरह का काम करना, असुर का काम है जबरदस्ती करना, तो वो उससे हमें बचाती है भक्ति, है ना। जितनी भक्ति ज्यादा होगी उतनी आपके अंदर सात्विकता ज्यादा होगी, उतना आप ये आसुरी तत्वों से बचे रहेंगे, और जितनी भक्ति कम होगी उतनी काम वासना ज्यादा होगी। तो इस तरह से भक्ति हमें असुर होने से बचाती है। भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का एक सरल माध्यम है। कहता है कि जो कहा गया है गीता में ज्ञान मार्ग, आप नॉलेज प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करो, फिर दूसरा कर्म मार्ग, अच्छे कर्मों के द्वारा भगवान को प्राप्त करो, लेकिन सरल इसको माना गया है भक्ति को, कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति बहुत ही एक सरल तरीका है, उसमें ज्यादा ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा कर्मों की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कहा जाता है। सबके अपने अलग अलग व्यूज होते हैं। दुख के सागर इस संसार से मुक्त होने का भी एक सरल माध्यम भक्ति है ना। अगर हम भक्ति में लीन है तो सुख दुख और संसार की सब तरह की सब तरह के प्रपंच, सब तरह की समस्याएं, उन सब में आपको आपका मन इतना विचलित नहीं होगा। जो जो दुख है चारों तरफ अगर आप ढूंढोगे तो दुख ही दुख दिखाई देगा, लेकिन अगर भक्ति में लीन हो तो ये जो दुख रूपी सागर माना गया है उसमें से निकलने का बहुत ही एक सरल तरीका है। आप इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के दुख से ग्रस्त नहीं होंगे आप। दुराचारी व्यक्ति भी भक्ति के माध्यम से धर्मात्मा बन सकता है, ये हमारे भगवद गीता में भी लिखा है कि कितना भी कोई पापी से भी बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, तो वो भक्ति के द्वारा वो धर्मात्मा बन जा सकता है। एक उदाहरण इसका बहुत ही प्रचलित है, दुराचारी व्यक्ति भी धर्मात्मा बन गया हो ऐसा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, अंगुलीमाल वाल्मीकि, बहुत बढ़िया है। तो वो भी हाँ, सबसे बड़ा तो उदाहरण वाल्मीकि का है, अंगुलीमाल भी सही उदाहरण है, पर वाल्मीकि ने तो फिर रामायण भी लिखी और अंगुलीमाल कोई तीसरा नाम आया क्या? तो वाल्मीकि सबसे बड़ा उदाहरण कह सकते हैं, डाकू था वो, उसमें से वो ऋषि बन गया, धर्मात्मा बन गया। तो भक्ति का यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है। भक्ति के विषय में किसी को कोई प्रश्न? नो सर। नारद भक्ति सूत्र कहते हैं कि भक्ति का एक बहुत ही बढ़िया शास्त्र है, और नारद भक्ति सूत्र पर डॉक्टर साहब की कमेंट्री भी है, हिंदी में किताब है नारद भक्ति सूत्र के ऊपर, उसमें कहानियां भी दी है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जरूर पढ़ना चाहिए, उससे हमारे अंदर भी भक्ति के भाव उभरने लग जाते हैं। इस तरह का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। कौन आया लेट भाई? अभिनव, अनिमित, आनंद, दीप्ति, विकास, ठीक है, हो गया बाकी सबका? तो दामिनी का भी हो गया है प्रेजेंट। कोई क्वेश्चन है? शांति पाठ करें? यस सर। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम, शांति ही पृथ्वी, शांति रापह, शांति रोषधयः, शांति वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वगुम, शांति शांतिरेव शांति।
शांति रे जी, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। अब जो भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं।